Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها النبي صل عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدين الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الغالب الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد एक शख्स थे कोई सफर कर रहे थे किसी सवारी पर चने खा रहे थे तो खाते खाते एक चना जो था वो जमीन पर गिर गया एक चना था बाकी चना के पास थे तो वो फौरन सवारी को बिठाया सवारी से उतरे चने को उठाया और भूख मार के उसको खा लिया बिस्मिल्लाह कर लिया इंतकाल हुआ तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने जन्नत में भेज दिया तो कहने के देख इस कदर जन्नत में जाने की तुझे पता है कौन सा अमल था तेरा अब ये तेलुम नहीं मैं कैसे अच्छा अमल तो नहीं किया फिर मैं तेरा अमल जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब आया जिस वक्त चने खा रहा था और एक चना गिरा था और तुमने चना नीचे से उठा कर खा लिया था तुमने मेरे रिज़्क़ का एहतराम किया था इज्जत तेरी की थी तो मुझे ये चीज़ इतनी महबूब और पसंदीदा है कि मैंने तुझे बख्श दिया ये है अल्लाह ताला का करम फजल और एक सुन्नत कह लें सुन्नत इलाही कह लें अंदाज इलाही कह लें कि अल्लाह ताला की पसंद भी अजीब है इंसान समझते ही नहीं कि अल्लाह को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद हम समझते हैं शायद ये पसंद है मुस्तफ़ जोर लगा रहे होते हैं अल्लाह ताला कुछ और ही चीज़ पसंद होती है तो ये सब अल्लाह के बंदे का मामला बड़ा नाजुक है तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो किस चीज़ क्या करना चाहिए बंदे को एहतियात बहुत ही मोहतात रहे अपने आप के मौले में बे इंतहा मोहतात होना चाहिए कोई पता नहीं हम उसको अच्छा समझ लें किसी बात को अल्लाह के नज़दीक बहुत नागवार है वो बात और जब आखिरत में जाएँ तो अल्लाह ताला कहे कि तू तो उसको अच्छा समझ रहा था मुझे तेरी बात बहुत नापसंद थी मैं तुझे जन्नत में भेजता हूँ कौन रोक सकता है उस कादर मतलब को तो ये है मोमिन की ज़िंदगी कि मोमिन की ज़िंदगी का जो सबसे अहम पहलू जो है वो एहतियात है रब है मामूली चीज़ तो नहीं खालिक है मालिक है कादिर है उसके फैसले पर सब कुछ हो जाए उससे बेहतियाती कैसे उसकी शान में कैसे रहे आदमी सारा मुल्क उसका है सब्जियां उसकी हैं खाना उसने दिया है गंदम उसने दिया है तो पता नहीं अल्लाह ताला किस चीज़ को पसंद कर ले
और जो भी उसने पैदा किया है, एक चना है, जो भी उसने पैदा किया है वो लोग बहुत महबूब है, बहुत महबूब है उसको कि मैं ये दाने, उस दाने की उसने इज्जत की है। तो गोया उसने दाने की इज्जत नहीं, अपने रब का एहतराम किया, पैदा करने वाली उसकी ज़ात है जिसने इस दाने को पैदा किया है, अपने रब के एहतराम में जो है नीचे उतरा फला। ये बड़ा काम होता है रुकना उतरना, फिर बड़े एहतमाम के साथ उसको मशहूर माना, यही क्या सोच कर कि मेरे रब का दी हुई चीज़ है, इस पर एहतराम कीजिए, अदब। तो यह जो है दोस्तों हकीकत है कि रुझगान दीन महफिल में सबसे बड़ी चीज़ जो है काउंट की जाती है खानकाहों के अंदर हर जगह पर, वो अदब ही होता है। आप देख रहे हैं कि किसी खानकाह में कभी आपका इतफाक हो रहने का, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ पहली चीज़ नजर आएगी, अदब नजर आएगी वहाँ पर किसी बुजुर्ग के पास, वो आपको कई बार नज़र नहीं आएगा, इतना अदब होता है यहाँ पर। वजह यह है कि है ही अदब सब चीज़, जब एक चने के अदब पर अल्लाह ताला बख्शिश कर सकता है मुझे पता है, तो जो अल्लाह की तरफ चलने वाले लोग हैं उनके क्या मंजिलें होंगी, क्या ताल्लुक होगा और क्या अदब का क्या मुकाम होंगे। हकीकत यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब, मैं भी स्टूडेंट हूँ आप भी स्टूडेंट हैं, मकसद हमारा अल्लाह तक पहुँचना है। अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता एक है सर, एक इबादत तो बहुत अल्लाह पाक करते हैं, एक से एक आला इबादत दी है, एक से एक आला इबादत। लेकिन अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता याद हो एक ही है, कोई इबादत नहीं पहुँचाएगी जब तक उस रास्ते को आदमी अख्तियार नहीं करेगा। अब वो रास्ता कौन सा है? तस्किए, तस्किए का रास्ता इंसान अख्तियार करेगा तब अल्लाह तक पहुँचेगा। क्यों? जब सफाई होगी तो इबादत कबूल होगी ना, मुझे बताए। जब मैं नमाज तो पढ़ूँ अंदर मेरे किबर है, हज तो मैं कर रहा हूँ अंदर मेरी लालच है, कुरान की तलावत तो मैं करता हूँ, तफसीर भी पढ़ता हूँ, अंदर मेरी शोहरत कर शौक है, हिफ्ज तो मैं कर रहा हूँ, किरात बहुत खूबसूरत करता हूँ, लेकिन शौक ये घुसा हुआ है कि लोग मेरी तारीफ करें। आप खुद सुना, ये अल्लाह तक पहुँचा देगी ये मैं इबादत नहीं पहुँचाएगी। पहला कदम इंसान अल्लाह तक पहुँचने क्या करना है मुझे बोला है, तस्किया, अंदरी की सफाई, अंदरी की सफाई जब तक नहीं होगी इंसान की कोई इबादत उसकी इबादत नहीं बन सकती। तो गन पे गन चढ़ाए जा रहे हैं, सुनते ही नहीं लोग। अल्लाह ताला के चाहता है कि बताया कि मुझे इखलास मुखलिस आपकी इबादत चाहिए मुझ तक पहुँचेंगी, वही इबादत कबूल होगी जो सफाई के साथ आएगी मुझ तक। और निका है खालिस इबादत चाहिए, बहुत वो बुखार हो मुझे इबादत करो, किस तरीके से मुखलसी न होती खालिश होते हुए दिन। मतलब ये है तस्की का कि हम इस तस्की से यही चाहते हैं कि हमारी नमाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूल हो जाए। नमाज को तो नहीं छोड़ते, मकसद तो वही है कि हम तलावत कुरान करें अल्लाह उसको कबूल फरमा ले, हज करें अल्लाह उसको कबूल फरमा ले। उन इबादात की कबूलियत के लिए हम अपने तस्किया करते हैं, सफाई करते हैं। और जो लोग इस पर कंसीडर नहीं करते, सोचते ही नहीं, चलने वैसे चलता है, वहाँ तो बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक काम है। लेकिन इस समझ अल्लाह पाक बहुत कम लोगों को दे रहे हैं आजकल, बहुत कम, बहुत बहुत कम। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है भाई, तस्किए की लाइन भी हम अख्तियार करते हैं उसमें भी लोग कामयाब नहीं होते, ये तो मुसीबत है। उसमें आप देखेंगे जो स्टूडेंट हैं तस्किए के 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल वो भी कामयाब नहीं होते। वजह यही कि तस्किए के जो असूल हैं जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अख्तियार नहीं करते,
तो जब उसको अख्तियार नहीं करते तो आप कैसे कामयाब होंगे, मुझे बताएं। ये भी कोई अंधाधुन चीज तो नहीं है। इतनी बड़ी आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि सारी इबादात के लिए आप वजू कर रहे हैं, तस्किया ये समझ लें कि सारी इबादात के लिए आप क्या कर रहे हैं, वजू कर रहे हैं कि मेरा सब कुछ कबूल हो जाए। तो कितनी इस वजू में कितनी एहतियात की जरूरत होगी हमारे लिए। अब हम सब माशाल्लाह सालिक हैं, स्टूडेंट हैं, तो इस नुक्ते को समझ लें कि बस हैं आके या बैठ के या अपने वजायफ करके हम कामयाब हो गए, बिल्कुल नहीं। मैं बताया ना, अल्लाह के नज़दीक जो है पसंदीदगी और नापसंदीदगी बहुत अपने म्यार पर है। हाँ, उसने जो असूल बताए हैं उनको हम एक्सेप्ट करें, उस पर चलें, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी होगी। तो कल को ये ना हो कि भाई हम ये समझें हम तो जिक्र कर रहे थे, हमने तो जहाँ बड़े मुजाहदे किए, रात को जागते थे, सुनो तो अमल किया, हम बस कामयाब जा रहे हैं, असूल है इसके। अगर उस असूल पर आदमी चलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह देखता है उसके मुताबिक, जो खान को इंसान सीखता है अल्लाह के पास बैठ के सीखता है, फिर जिक्र भी काम करता है अपना, सफाई भी होती है, फिर वो लोग कामयाब होते हैं। इसके अंदर जो तज़किए में जिसके अक्सर औकात हम जिक्र करते रहते हैं, अक्सर औकात हमारे यही जिक्र होता है, ये खानकाहों में यही जिक्र होता है हमेशा, जो मशायख इसको याद दहानी कराते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है तज़किए की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तस्कीम स्टार्ट जहाँ से होता है वह निस्बत है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, कनेक्शन। टीचर आप शेख भी मुर्शिद जो भी आप कह लें, जिस जबान में कह लें, इंग्लिश में कह लें, उर्दू में कह लें, फारसी में कह लें, हिंदी में कह लें, गुरु हिंदी में गुरु कह देंगे। तो भाई निस्बत उसकी जो है कनेक्शन बिटवीन शेख एंड मुर्शिद, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। यहां से मामला चला सबसे बड़ा मुअल्लिम और टीचर, सबसे बेहतरीन स्टूडेंट ना दुनिया में आएंगे ना दुनिया ने देखे होंगे, मुअल्लिम कौन, इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और स्टूडेंट कौन, सहाबा कराम माशाल्लाह। ये सीन आसमान कभी नहीं देख सकता ऐसे स्टूडेंट का, ऐसे वहीं से अखस है ना सारा कुरान और हदीस से अखस है ना सारा इज़्ज़त सिलसिला सब चलता है, क्योंकि कायनात पूरी दुनिया को अल्लाह पाक ने उस उस्ताद के जरिए, उस टीचर के जरिए, मौलाना अजीम के जरिए पूरी दुनिया को फैजियाब करना था, तो उसने अपने मशायख ने अपने खलीफा बनाने थे, बनाने को दिए, वो सहाबा कराम थे। और कहाँ से निकले वो ऐसी ज़मीन थी कि बुद्धू लोग, बेअदब लोग, जाहिल लोग, उजड़ लोग बात करते करते दाढ़ी पकड़ रहे हैं, कभी कमीज खींच रहे हैं, कभी उसका फाड़ रहे हैं, ये उनका अंदाज था बात करने का, एक दूसरे बात करें तो एक दूसरे की दाढ़ी पर हाथ मारते थे, बुद्धू लोग थे, उनका ये अंदाज था, उनका ये कल्चर था, पता है अदब का सवाल नहीं। उस जगह से आप ये देखें अदब को निकाला गया है, तो जिस वक्त इस इलम को देना था अल्लाह पाक ने उन सहाबा कराम को देना था, और देने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो इतने हलीम, इतने मुलायम, इतने नरम, इतने मोहब्बत वाले कि खुद कुछ नहीं कहते थे, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा बेशक मेरे साथ, ये कैसे रवैया अख्तियार करें, आप मुस्कुरा रहे हैं, गले को खींच रहे हैं, कुछ चादर खींच रहा है कि आपको, आप कुछ नहीं जवाब देते। तो लेकिन अल्लाह सुभान तआला का तो इल्म था, सब चीज़ का पता था कि ये जो स्टूडेंट हैं इसके पहले सारी इबादत भी सीख जाएं, कुछ भी सीख जाएं, लेकिन ये कामयाब उसी वक्त होंगे जब इनकी निस्बत अपने शेख से मजबूत होगी। जब तक निस्बत मजबूत नहीं होगी तो ये सहाबा नहीं बन सकेंगे, बेशक कितने कुरान आ जाए इनके पास, कितने कुछ आ जाए, जब तक निस्बत इनकी सही नहीं होगी आपस में उस वक्त तक सही नहीं। अल्लाह सुबहाना ताला ने खुद ही फिर फैसला किया, अल्लाह के नबी तुम्हारा बोल सके शर्म से, या अल्लज़ीन आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम फौका सौतिन्नबी, आयत उतनी सूरह हिज्रात की, ऐ ईमान वालो
तो एक चीज का ख्याल रखना कि जो तस्किया है, जो इलम तुम इससे सीख रहे हो, इस इलम को सीखने से सबसे पहली मंजिल जो है, सबसे पहली मंजिल अल्लाह ताला बता रहे हैं वो क्या है, तुम्हारे और इसके दरमियान अदब है, शेख और मुरीद के दरमियान अदब पहली मंजिल। सबसे पहली किताब ये पढ़नी चाहिए मुरीद को, शेख और मुरीद का अदब क्या होता है। बहुत बड़ा रिजल्ट है इसका, जिस लाइन पर अल्हम्दुलिल्लाह ने आप और मुझे डाला है, इसका रिजल्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रिजल्ट है। रज़ा इलाही मिलता है इससे, अल्लाह मिलता है। ये देख ले, मामूली चीज तो नहीं है तस्किया जा। तो ये सहाबा कराम इतनी बड़ी जमात, अल्लाह ताला ने आयत उतारी और बहुत ही ऐसी चीज को लिया सिर्फ यानी दिखाने के लिए कि जब इसका यह हाल है तो बाकी चीजों के अदब का क्या हाल होगा। उसका फिर अंदाजा खुद लगाते हैं ना, अल्लाह ताला ने एक एक चीज नहीं बतानी थी। किसको लिया? आवास ना तरफ, फरमाया अदब ये होना चाहिए तुम्हारा, अगर तुम सही स्टूडेंट बनते हो, सही मुरीद हो, तो तुम्हारा क्या होना चाहिए अदब, कि जो तुम्हारी आवाज है वो उसकी आवाज से बुलंद भी ना हो। पहला बताया सर। और अगर कहीं महफिल में बैठे हैं आप, तो गुफ्तगू के अंदर भी वहां ख्याल रखें कि ऊंची आवाज से गुफ्तगू ना हो, बहुत धीमी आवाज से बात करो, जो करनी है पूछनी है। ये सहाबा का बताया, अगर ये नहीं करोगे कितनी बड़ी बात बताई देंगे। पहली तो आगे अदब कितना होगा, अब सहाबा कराम की जिंदगी और अहादीस पढ़े अदब के हिसाब में, तो आपको नजर आएगा इसके बाद सहाबा का हाल क्या हुआ, कैसा अदब उनके अंदर आया अल्हम्दुलिल्लाह। सजा क्या बताई? बहुत बड़ी सजा थी, तहबत अमाल। किनको? बड़े बड़े सहाबा थे, जितने तुम लगा रहे हो ना नमाजें, सीधे जिक्र, जो कुछ तुम्हारा हो रहा है इस वजह से कि तुमने अदब अख्तियार नहीं किया, ये तहबत खत्म कर दिए जाएंगे तुम्हारे सारे अमल। सहाबों का इस पे भरोसा नहीं रखना। मंजिल जो तय करनी है तजगी की, आप नस्बत शेख से होती है, ताल्लुक शेख से आपकी जो मंजिल तय होगी, जिक्र से नहीं होगी। किसी बात में फर्क नहीं, बेशक आप सही सही राज जिक्र करते रहे, तब तक मुखलिस शेख से आदमी नहीं होगा अब हिसाब से। इस रास्ते में कामयाब नहीं हो सकता अल्लाह तक पहुंचने के तस्की। मुश्किल आई, मुश्किल नफ्स मरता है ना इसमें आदमी का, बहुत जबरदस्त नफ्स मरता है। कीपर जो निकल, जो बीमारी अंदर की है, वो ऐसी ऐसी शैतानी बीमारियां, जिद पना और हजारों बदमाशी। जब अदब पे इंसान आते हैं तो फिर वो झड़ना शुरू होती है। अल्लाह तो खाली कहना जानता है ना, इनकी बीमारी को मैं कैसे झाड़ूंगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा अपने आप को समझते आदमी, उसने इस रास्ते पे चलना है, जाहिर उसको फिर आके अपने शेख से निस्बत करनी पड़ेगी, बैत होगा। जब बैत होगा तो कहां से कहां आना पड़ेगा उसको, फिर बताया जाएगा तू बैत हो गया अल्लाह के लिए, तो फिर तो तुझे ये करना पड़ेगा, तू ये बन जाएगा, जमीन से आसमान से नीचे आ गया, जर्रा बन गया। तो जब जर्रा बन गया तो फिर उसके अंदर से बीमारी किबर रहा कहां उसमें। लेकिन जो ये नहीं इख्तियार करते और इस वक्त इख्तियार कर लेते हैं, उनके बारे में बताए कि लगे रहो सारी जिंदगी लगे रहो, अमाल भी सर्व कर लिए जाएंगे और इससे बड़ी सजा। वन तुम ला तशरून, अल्लाह अभी आप सोच नहीं, बड़े पहले स्टूडेंट थे ना, उनके बारे में कहा जाए तो हमारी तो अख्तियार क्या होगा। सोचिए कि इतनी बड़ी सजा दी जाएगी कि मुबादा शायद इंसान को गलती का पता लग जाता है तो फिर वो क्या करता है? तौबा, अल्लाह रहीम है, अल्लाह का तो रहीम करीम है, जब तौबा गड़गड़ाएगा तो अल्लाह माफ फरमा देते हैं। तो फरमाया मैं इस गुनाह को माफी नहीं करना चाहता। अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह है, नाम तू मेरे पास आने का कर रहा है, काम तू मुझ तक पहुंचना चाहता है, ये इतना बड़ा गुना है। और तुम ला तशू, मैं तुझे एहसास नहीं होने दूंगा, तो बिल्कुल अपने आप को सही समझते चलता रहे, मैं इससे बड़ा हाई कोई जो काम कर रहा।
तुझे एहसास नहीं होने दूंगा, पता नहीं होने दूंगा, और जिस वक्त क्यामत में आएगा उस वक्त तू देखेगा तो तेरी सीट बिल्कुल क्या होगी, असर क्या पड़ा साहबियों, कैसा अदब सिखाया अल्लाह पाक ने, एक ही झटके में सब बुद्धुओं को जो है आशिक रसूल बना दिया। तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि किसी मजलिस के अंदर हमें खाने का मौका मिलता नबी करीम से तो हमारी जरूरत नहीं होती कि हम अपने हाथ आगे कर लें जब तक कि आप नोश नहीं फरमा लेते थे। अब दबाना शुरू हुआ साहबियों, अब आप हिस्ट्री देखें अदब किताब हैरान हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी जो वजू का होता है एक कतरा जमीन पे नहीं गिनने देते थे, एक कतरा उठाते थे अपने तिलों से मुंह पर हाथों पर। कहते हैं बड़े बड़े दरबार देखे जो देखने गए उस फैन जैसे, बड़े बड़े दरबार बादशाहों का हमने देखे हैं, लेकिन वहां जो इस फकीर का दरबार देखा है शहनशाह इस दरबार का मकान के, क्या मोहब्बत थे इनके मुर्दीम और शेख के अंदर आपस में, बने भी कौन लोग भी देखे प्योर सच्चा तरीका अल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला बताया। जिस वक्त यह आयत होती थी हज़रत अबू सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे बड़े सहाबा में थे, उनका हाल क्या हुआ, बिल्कुल ख़त्म हो गया, उन्हें तो कंकरी मुंह मिले नहीं, और कहते थे कि मैं ही हूँ ये जिसको आयत उतरी है, मैं तो जिंदगी भर गुफ्तगू नहीं करूँगा अपनी पक्ष से, कहूँगा तो मुँह के अंदर कंकरियों को डाल के बात करूँगा, क्योंकि इतना बड़ा था। और एक साबित कैस थे सहाबी, उनकी आवाज़ ज़रा ऊँची थी, बाद ऊंची आवाज होती है ना, वो तो बंद हो गए अपने कमरों में, बंद हो गए कमरों के अंदर और निकले ही नहीं कि मेरी आवाज आई तो मेरे लिए आया था नहीं बहुत, जब तक खुद ना बुला लिया हूं तसली नहीं। हजरत उमर जैसे कितने बड़े साहबी थे, सारी जिंदगी होते इतनी धीमी आवाज होती थी कि बड़ी मुश्किल से बात समझ आती थी, बदल गया सब एकदम अदम। यहां से फिर अल्हम्दुलिल्लाह पहली मंजिल को अल्लाह ताला ने बता दिया है, फिर उनके सीने खुल जाते हैं, फिर ताल्लुक जो है निस्बत शेख के मुरीद की जो है बनना शुरू होती है। और यही खानकाओं के अंदर, पुरानी खानकाओं की बात करता हूँ, बिल्कुल बाहिन यही माहौल होते थे जी, शेख और मुरीद सुभान अल्लाह, इतना मोहताज इतना एहतियात मुरीद होता था कि जरा सी गलती पर इस कदर माफी मांगता था अपने शेख से, शायद मतलब इस बात पर लाइन तो है लेकिन असूल होने चाहिए, असूल होने चाहिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। जो ये रिलेशन है शेख का और मरीद का, इसका स्टार्ट जो किससे होता है, अदब से। इसका तल्क सिर्फ यही नहीं कि जिक्र ले लिया बस हमने जिक्र कर रहे हैं हम सब ठीक है, नहीं, बल्कि बुजुर्गान दिन तो कहते हैं कि जिक्र से अफजल जो है वह अदब शेख है, क्योंकि अदब नहीं होगा तो शेख जिक्र असर नहीं करता उसमें। यही वजह है कि बहुत से मुरीद जो है इसमें फेल हो जाते हैं, बहुत से मुरीद, जुनैद बगदादी सिद्ध ताइफा कहा जाता है, फरमाते हैं कि जो अपने शेख से इज्जत एहतराम को छोड़ दे, अपने शेख का इज्जत एहतराम अदब छोड़ दे, तो फरमाया उसको पता नहीं होता अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा शख्स होता है, बैठा शेख के पास होता है। और इन तमाम चीजों का अदब का ताल्लुक किससे, ये हाथ पांव से नहीं है बल्कि किससे है, कल्ब से है, क्योंकि फैज जो जाता है शेख से कहां पे जाता है, कल में जाता है, आंख में जाता है, जिस हम बराक करते हैं यही कहते हैं ना, शेख की तरफ तवज्जो करते हैं, उसके दिल की तरफ अपने दिल को सामने रखते हैं, फिर अल्लाह की रहमत को उतारते हैं कि ये रहमत जो मेरे शेख के दिल में आ रही है अल्लाह ताला मेरी भी उतार। तो तसव्वुफ की आंखों से मुशाहदे में लोग देखते हैं कि वाकई ऐसी आ रही होते हैं, नूर ऐसे गुजरता है शेख के सीने में और उसके मुरीद तक पहुंच रहा होता है, और मजमे में जितने मुरीद होते हैं किसी में तो नाले की तरफ जाता है, किसी की तरह बहुत बड़े दरिया की तरह जाता हो, और किसी में एक हल्की लाइन की तरह जा रहा होता है मुरीद में। ये तसव्वुफ की बात करता हूँ, फैज फर्क कितना क्यों है, बात वही है कि जो असूल पे कोई असर काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल फैज हासिल कर रहे हैं अपने शेख से। बकौल एक शेख के भाई जो है 5-10 मिनट का मराकबा होता है शेख के पास, लेकिन ये ऐसा है कि जैसे समुद्र में डूब गया आदमी, याद रखते समुद्र में डूब गया, और जब 5-10 मिनट बाहर निकलता है तो फिर साले जब बाहर निकलता है तो जो जिस आदमी के पास अल्हम्दुलिल्लाह प्याला बड़ा होगा
बर्तन बड़ा होगा तो वहां से वो नूर लेके निकलता है सर। और बाद सब जो है अपने वैसे गए थे कपड़े गीले करके आ जाते हैं पानी से और कुछ नहीं मिलता। मेरे भाई वो मेहनत भी करे आदमी यहाँ पे आखिरत का नाम बने इंसान, हमारी नमाजें कबूल ना हो, हमारे हज कबूल ना हो, हमारे कुरान कबूल ना हो, तो ये तो चीज़ें फिर मेहनत वाली बात तो ना हुई आदमी की। यहाँ पे शैतान आदमी बस उसे डाके डालता है। बड़े बड़े मशाइख ने, बड़े बड़े मशाइख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तसव्वुफ कसूल पर देते हैं, पहली बात भी कहते हैं, कहते हैं कि भाई जिसने अपने शेख को अदब नहीं किया, अपने शेख के साथ बादब नहीं रहा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी कामयाब नहीं होगा। तो कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो मुरीद कभी नहीं चल सकता। ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हज़रत अली बिन तबाक रहमतुल्लाह अलैह, तबाक एक हैं, हज़रत अली बिन वफा ये भी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। तो ये देखें अब कितनी मामूली बातें, वही रिश्ता कुरान ने बताई अंतुम तशु, तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम्हें साफ कर दिया जाएगा। कहते आते भी हैं सोबत में बैठते हैं मुरीद लेकिन बातों पर एतराज करते हैं अपने शेख के, ये ऐसा क्यों है जी, इसको ऐसे करते हैं इसको फला हो जाए, तो इसको ऐसा, इतनी भी इजाजत नहीं है किसी सेंस में आप शेख की किसी बात पे एतराज करें। क्यों कि अगर आपका एतकाद कामिल नहीं है अपने शेख में, फिर अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि जिसका अपने शेख पर एतकाद कामिल नहीं वो अपने वक्त को जाया कर रहा है। और एतकाद कामिल का मतलब ये है कि वो हर चीज को बेजना इलाही समझे जो कुछ हो रहा है, कैसे जिक्र करा रहे, क्यों करा रहे, कब करा रहे, किधर जा रहे, ये करा रहे, उस पर तो हमारा काम क्या है, फॉलो ही हो, सही रात बैठाए सही रात बैठो, घंटे के बाद छोड़ दे घंटे के बाद चले जाओ, बुलाए तब आ जाओ, जब ना बुलाए, यानी इसमें बिल्कुल आदमी एकदम ऐसा हो जाता है कि हर चीज को तस्लीम करता पड़ता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में निकला हूं और जिस तरह अल्लाह मुझे चलाएगा मुझे चलते रहना है, मेरा नफ्स खत्म नहीं हो सकता इस तरीके से, बिल्कुल बाग डोड़ दे अल्लाह के, ये अल्लाह के अख्तियार में दे रहा है, वो अल्लाह शेख को गाइड कर रहा है। ये क्यों कर रहे हैं जी, आप ऐसे कर लें जनाब, आप ये है आज ऐसा ना हो जाए तो ऐसा हो जाए, बहुत एहतियात की जरूरत। उसने किया सजा किया इसकी, अब सुने हमें नहीं पता था, तुम ना तो शुरू में है तुम्हें पता चलेगा, लेकिन कौन बता रहा है, इतने बड़े शेख जो बता रहे बताने के, उनको तो बताना चाहता हूँ अलर्ट हो जाए। जब किसी ने ऐसा एतराज किया अपने शेख पर, अब वो तो लगा हुआ है मैं तो बिल्कुल जिक्र सही है मेरा, कुरान सही है, मैं तो बैठता हूँ जनाब फला करता हूँ, लेकिन शेख का मिजाज वही है जो इमाम अंबिया का था, वो खुद कहने में हया तस्लीम करता है कि ये तू गलत कह रहा है या ऐसी बात है, वो ये कहता है कि इस बेचारे को मैं तंग करूँ, वो बहुत हैम है, लेकिन अल्लाह ने कानून बना दिया कि होगा फिर ऐसे, वो भी नहीं बताएगा शेख भी तुझे नहीं बताएगा, नाराज भी नहीं होगा तुझसे, क्योंकि शेख तो खुद इतना कमतर अपने आप को समझता है कि मैं तो खुद अपने मुरीद की जूती हूँ, रहा ये सच कह रहा है जो कुछ कह रहा होगा मैं गलत हूँ, वो तो तस्लीम करता है, लेकिन शेख का एतकाद मुरीद का इतना होना चाहिए, उसकी जरूरत ना हो कि वो उसकी किसी बात पर भी एतराज करे, इस मसले में क्यों बैठ गया, ऐसे क्यों कर लिया, उसका कर दिया जी हमारे क्यों नहीं किया, फला तो करना है जी हम क्यों नहीं जी, मुक्त है उसका किसी के साथ कोई ट्रीटमेंट, इसको तो ये कर दिया जी हमें नहीं किया, उसके फला के लिए तो ये था हमारे लिए क्यों नहीं हुआ, इसको क्या कहता है एतराज। ये तो बहुत बड़ी बात है, इससे भी छोटी बात सजा, कहते बैठ टूट चुकी है इसका ताल्लुक नहीं है सिलसिले से खत्म है, इससे एतराज क्या अंतम तश वो समझ रहे, लेकिन बैत खत्म हो चुकी है, जब आखिर उठेगा नक्शबंद दीवान और शेख के साथ उठेगा कोई ताल्लुक नहीं हो, नजर ही नहीं आई, कोई लिंक ही नहीं, खत्म, उसके साथ जिक्र जो कुछ भी किया नथिंग एट ऑल। जब साहबा को कहा जा रहा है तुम्हारे माल का पता ही नहीं चलेगा, तो ये हम तुम कौन है उस मामले, कितनी एहतियात की जरूरत है, फौरन इस पर इंसान गलती होती जाए और खैर तजदीद बैत करे एहतियात, मोहसिस हुआ है अपने शेख को तो क्या करे तजदीद बैत करे, वो सिलसिले से गायब है। गैबत में यानी हाजिरी में गैबत में मौजूद हो शेख या ना हो, शेख की गैर मौजूदगी में त्रास कर रहे हैं या सब ऐसे कर देते हैं या फला हमारा ऐसे हो जाता है ऐसा नहीं हो चाहिए, इस पर गुफ्तगु ही ना हो उसकी जात पर, जिस कुएं से आप पानी पी रहे हैं उस कुएं के आप ऐप क्यों निकालते हैं,
ताजा फ्रेश पानी आपको मिल रहा है। बल्कि क्या है हकीकत में, एक और नुकता बता रहा हूं कि अगर कहीं कमी नजर आती है शेख अपने अंदर, कुछ शेख की बात तो अपनी कमी समझे, शेख की कमी ना समझे, मेरा कसूर है, वो सही है जो कुछ कहता है, मैं इस अहल नहीं, मैं इस काबिल नहीं, मैं ऐसे नहीं, ये रास्ता ऐसा है। देखें कितने जबरदस्त इसमें असूल है और कनेक्शन, इस रास्ते से चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो फिर हवा में उठता है अब तसव्वुफ के अंदर, तवज्जा ना हो, हाँ ये भी है, इस कदर कंप्लीट एतकाद होना चाहिए अपने शेख से, इतना कि जो कुछ भी उसको वक्त देख रहा है, जो कुछ भी इसको मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, एतकाद पक्का ये हो कि मेरे फैज का, मेरे शेख का फैज जो मुझे बात मिली है, खूब नजर आ रहा है, कुछ कौम नजर आ गया, कहते सब कुछ मेरे शेख की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ यह एतकादन दिल में इंसान के शेख इतना जबरदस्त रहा, और किसी और की तरफ मुतवज्जा होना, अपने पीर के अलावा किसी और पीर की तरफ मुतवज्जा होना, इसके लिए बड़े सख्त लफ्ज हैं, कहते हैं इससे बड़ा नुकसान वो देख ही नहीं सकता जो होगा उसको, तसव्वुफ की बात। तो यहां जो सालिक जो है इस लाइन के अंदर, वो अपने आप को सही समझते रहते हैं, ये आयत पढ़ ले, अंतुम ला तशो, तुम नहीं, तुम्हें पता भी नहीं होने दूंगा, अपनी गलतियों को खुद टटोले इसके अंदर आदमी, इस रास्ते में अपनी गलतियों को खुद तलाश करना पड़ेगा, गलती ना भी तब भी शेख से क्या मुझे माफ कर, खुद महसूस कर रहा है कि मैंने मुझसे शायद ये गलती होगी, को फॉरवर्ड हो जाए एकदम, एक सेकंड ना लगे उस पर, क्योंकि तस्वो रुक गया, अगर ऐसा है तो आपका वो रास्ता रुक गया अल्लाह तस्व पहुंच पहुंचने, नहीं है तो दर्जात बुलंद होंगे, आप माफी मांगने का क्या फर्क पड़ता है शेख से, वो कह नहीं जी मुझे पता, ऐसा लगता है जी मैंने वेद भी किया इज्जत, मुझसे गलती होगी शेख के हाथ में, मुझे मेरे शक हो रहा है कि मैं आप वहां से जा रहे थे, मतलब बात कर रहा हूँ लोगों से, अपने मशाइख से लोग ऐसे करते, मैं आपकी मजलिस में आया था, मुझे लगा कि मैं यहां तक है, इतना अदब बताया, वही सहाबा तक है, ये सहाबा कराम की जो मजलिस थी बिल्कुल वो मजलिस होती है मशाइख, मशाइख के अपने मुद्दीन के साथ, जब सहाबा कराम बैठते थे उनकी निश्चित क्या होती थी कि कभी भी नहीं उनके चेहरे मुबारक भी नहीं देखते थे, नजर झुकी होती थी उनकी, कान मुतस्त होते थे और मुकम्मल से मुतवज्जा होकर बातों को सुनते थे, क्या रहा वो समझते थे कि जो कुछ हमारी गाइड में आ रहा है कहां से आ रहा है, अल्लाह की तरफ से आ रहा है, जब तक ये अकीदा नहीं होगा मैं जहां जा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बातें आएंगी बेइज़्नुल्लाह अल्लाह की तरफ से बातें आएंगी जो हमें सही करेंगी, जो मुझे पहुंचाएंगी, मेरी मुश्किल को हल करेंगी, मैं ऐसी मजलिस में जा रहा हूं, ऐसे इंसान की मजलिस में जा रहा हूं कि जहां पे मेरी जो इस्लाह होगी डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से लग की जाएगी, क्योंकि मैंने अल्लाह के लिए कदम उठाए, मैं अल्लाह को मानना चाहता हूं। सालिक की इज्जत अल्लाह के नजदीक बहुत है, ये स्टूडेंट जो है जो अल्लाह के रास्ते में निकला है अल्लाह को पाने के लिए, इसकी इज्जत अल्लाह के हां इतनी है कि जैसे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सारी आसमान और जमीन उसके लिए इज्जत करती है कि ये कौन आदमी है, अल्लाह को पाने के लिए चला गया है, इस एतकाद से पहुंच रहा है उस मजलिस में जहां उसको अपने आप को सही करना है, तो पूरे यकीन के साथ जाता है नहा धो के, आज मेरे लिए इस्लाह होगी, अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम आएंगे, मैं सुनूंगा तो मैं उससे अपने इस्लाह करूंगा, मेरी बात होगी, यानी आज बड़े जूते पे आए जी हमारे ही है, हमारे मजलिस से निकलते हैं ना ये आजकल के, आज बड़े जूते पे आए जी, तन जूते पे आज बड़े जूते पड़ेंगे, आज तुमने देख कितने जूते पड़े, हमारे ये टर्म्स है, देखा कितना तुझे दिली किया, तुझे फना किया, इन शेख की मस्जिद में जा रहे हैं, ला हौल वला कुव्वता अंतुम ला तशरून, गधों जैसी शक्लें बना दे, ला पाकि तुम मुझे पाने आ रहे थे या तुम मेरे पे मेरे साथ कुश्ती लड़ने आ रहे थे, मेरे इस बंदे की तरफ तुम ये बातें करने आ रहे थे कि जिसको मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता था, तुम्हारे लिए उस नौकर को मैं मुकर्रर किया, तुम्हारी नौकरी करे, तुम्हारी खिदमत करे, और तुम उस मेरे नौकर के बारे में तुम ये बातें करते, अल्लाह एक गंदुम के दाने को पसंद करने पे उस इंसान को बख्श दिया, तो मुझे बताएं जो अल्लाह के किसी महबूब बंदे को पसंद करेगा उसका क्या हाल होगा, और कुछ बेअदबी करेगा तो उसका क्या हाल होगा, बड़ा नाजुक ये चैप्टर। कहते हैं हजरत, ये दूसरे शेख की बात करता हूं, हजरत अली बिन वफा रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल याद आ रहा है मुझे, कहते हैं जब शेख के सामने बैठो
तो निगाहों को बिल्कुल नीचे रखो। हाँ, अगर तुम उनको देखते रहे टिकटिकी बांध के तो तैयार हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी निगाहों से, तुम्हारे जिस्म से हया को निकाल देगा। हया निकल गई तुम्हारे, हया का तो खत्म कर देगा, तुम बेहया हो जाओगे। देखो कभी देख लिया कनखी से नीचे कर लिया तो कभी चेहरे से चेहरे मिला के, आंखों से आंखें मिला के, मुंह तक के बात करना, आंखें निकाल के बात करना, आंखों में आंखें डालने बात करना, ये अदब के खिलाफ बेअदबी की जाती है, समझ जाते हैं। ठीक है, हैरत से बैठते थे साहब कराम, जिसके हर इंसान बिल्कुल ये सुनना खोल के मुंह देखते रहना तो तखतर मना है अदब के खिलाफ। आदत नहीं ना लोग तक बात न सुने, ये अदब जब दिल में आएगा, अदब पसीजता है तो फिर इतना रोब और इतना उस पर रोब अल्लाह डाल देता है सीने के अंदर कि उसकी जरूरत नहीं होती कि उस तरह चेहरे से मुझको बात करे या उसके चेहरे को देख के कोई ऐसी बात करे या दांत निकाले या हंसी करे या मजाक करे, खत्म हो जाता है। क्यों? कि तजलियात रबानी को हासिल करने के लिए जा रहा है तो अल्लाह ताला उसको ऐसे तैयार करता है कि जब उस मुकाम पर तू पहुंचेगा तो तब क्या होगा तेरा हाल। कैसे साली को तैयार किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो है बड़ा खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा लंबा मज़मून है, आस्ता आस्ता कभी कभी इस पर गुफ्तगू हो जाती है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये पहली सीढ़ी है दोस्तों अदब शेख, तो इसमें अगर हम नाकाम हो जाते हैं तो फिर सारा सिलसिला हमारा ख़त्म हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आवाज़ जिसम सब, जिस तरह जो जो बातें मशाइख के तजुर्बे से बताई हैं और जो कुरान हदीस से पास पहुँची हैं, नबी करीम से उसका ताल्लुक, सहाबा कराम के साथ ताल्लुक, और फिर बुज़ुर्गाने दीन का मजालिस में जाना, उनके साथ बैठना, उनके साथ ताल्लुक, ये सब जो है सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और इसी लाइन पर हम चले हैं तो उसको अख्तियार करें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।